Assalamualaikum to all the viewers, all the bikers, all the tourists. मैं कहाँ पे आ गया हूँ? Honda Capital G9 basement में क्या कराने, tune-up कराने आ गया हूँ CG125 की, और कुछ चीज़ें भी चेकअप करानी थी। Assalamualaikum, कैसे हैं जी व्यूअर्स? बाइक मैं आपको दिखा दूँ कितनी चल गई है, 14683। और अजीब बात ये कि खैर अभी इनके आगे मुझे बोलते हुए भी होगा कि 8000 पे ट्यूनअप हुआ था, उसके बाद जावेद भाई ना ही इसका एयर फिल्टर भी साफ नहीं किया जी। इंशाल्लाह जी व्यूअर्स, और बड़ी आपकी भी फरमाइश थी कि जावेद साहब से ट्यूनअप करवाएं, और आज ये आई एम खास इसके लिए, तो अभी आपको स्टेप वाइज दिखाते हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, सबसे पहले लेफ्ट साइड कवर खोला है। अच्छा, सबसे पहले बैटरी कवर, इसकी बैटरी को अगर चार्ज लेना है बैटरी, तो आधा घंटा 20 मिनट जितनी देर में ट्यूनिंग करेंगे उतनी देर में बैटरी। अच्छा, पानी वगैरह आप कह रहे हैं कि पूरा करके और इसे चार्ज पे लगा देंगे व्यूअर्स। और अच्छा, लाजर है चार्जिंग चेक। मैं बड़ा खैर खुश हूँ, ये बैटरी बड़ी अच्छी होंडा ने दे दी है। इसकी उससे भी बड़ी दे दी है। अच्छा, उसमें थोड़े बहुत मसले आए हैं। ठीक उस वाले में सलर में थोड़े बहुत इशू आए हैं। अच्छा, सलर में नहीं है। वाकई लोगों ने ऐसे ही मशहूर, जबकि इतना अच्छा सेल्फ शायद ही, मतलब बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और 2019 में व्यूअर्स मैंने ये ली थी बाइक, और अभी तक बैटरी को कोई मसला नहीं आ रहा, माशाल्लाह। अच्छा, इधर खोल लिया, गियर लीवर खोल दिया जी। अच्छा, अभी मीटर पे बैटरी की वोल्टेज चेक करेंगे मीटर। ओके, तारे छिटका के बल्ब लगा के दूसरे तरीके होते हैं। ठीक है, नहीं ये प्रॉपर तरीका है व्यूअर्स के, वोल्ट मीटर प्रॉपर डिजिटल है, और उससे ये वोल्टेज चेक करेंगे, लाइफ भी पता चल जाती है। अगर इसको चार्ज की ज़रूरत होगी तो हम इसको चार्ज करेंगे। ये देखें, नीचे देखें। अच्छा, इसमें 12 वोल्ट से ऊपर करंट, 12 से ऊपर बिल्कुल ठीक है, 13 बिल्कुल ठीक है, 13.5 बिल्कुल सही है व्यूअर्स। इसको चार्जिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। पानी पूरा है इसका, पानी ठीक है। ओके जी व्यूअर्स, एक चीज़ क्लियर हो गई, आपने देखा कि पानी का। अच्छा जावेद भाई, जो देखने आए उनको बताएं कि लेवल ये है, यहाँ तिकर होना चाहिए। अच्छा, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए और इससे नीचे बिल्कुल नीचे नहीं आना चाहिए, तो बेहतर है कि बंदा यहाँ पर भी हो तो खैर है, ठीक है, लेकिन ये मैक्सिमम ठीक है जी। चले व्यूअर्स, मैं कोशिश करूँगा कि साथ साथ आपको बताता भी जाऊँ और बताता जाऊं जी। जावेद साहब हैं यहाँ, जिन्होंने मेरी इसकी रेस केबल, जो एक्सेलरेटर केबल का भी हल किया था और ज़बरदस्त किया था। ऐसा मलाई करके देंगे ना आप, याद करें। इंशाल्लाह व्यूअर्स, मुझे थोड़ा सा ना छोड़ते जी, हैंडल का थोड़ा इशू आ रहा था, तो वो भी ये कह रहे हैं कि बिल्कुल मुझे सेट कर देंगे। इंजन ऑयल खोलने लगे हैं, 24 की चाबी है। अच्छा, 24 रिंग वाला लगाना ताकि स्लिप ना मारे। ओके, ये व्यूअर्स मैं आपको अब दिखाऊं जी, लेकिन चेंज कर दें क्योंकि मैं व्यूअर्स को आज एक बहुत ऐसी चीज बताने लगा हूं। हालांकि ये 600 कुछ चल गया है, और व्यूअर्स आज मैं बड़ी खास चीज आपको बताने लगा हूं, जो के होंडा CG125 SC और CB125F के लिए होंडा ने निकाला है ऑयल, जो मैं बड़ा खुश हूँ। 10W30 आप ये देखें कि ख़ास इसके लिए है, एटलस होंडा का, और ये जावेद साहब ने मुझे ला के दिया कि अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, जो ख़ास इसके लिए है। और हाँ, मैं साथ ही आपको इसकी प्राइस भी बता दूं, प्राइस क्या है जावेद? 510 रुपये का व्यूअर्स है, पूरी ज़बरदस्त पैकिंग है। और खैर, वो अभी जब ये डालेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा भी। निकाल के ला,
ये इसका सर एयर फिल्टर है। एयर देखते देखते एयर फिल्टर फोम होते हैं, हर ट्यूनिंग पे गंदे हो जाते हैं, मट्टी थोड़ी सी जी, लेकिन जितना मैंने चलाया जाए भाई 8,000 किलोमीटर और वाकई बड़ी इस पे डस्ट आई हुई है, क्योंकि मैं इस पे खेड़ा भी गया हूँ लॉन्ग टूर में और उसके बाद में पीर चिनासी अभी लास्ट टूर की है, तो खास कर खेड़ा वाले में तो बहुत डस्ट थी, आप देखें बहुत डस्ट है। इसको अभी हम वॉश करेंगे एक एक करके, पेट्रोल से वॉश धोएंगे, फिर इसको हम पुश करेंगे ठीक हवा से धूप से, बिल्कुल सही है जी, फिर हम इनको फिर करेंगे। अच्छे तरीके से वॉश हो गया, ताकि ये खुश्क भी हो जाए, अगर थोड़ी बहुत डस्ट इसके अंदर रह गई तो हवा से निकल जाए, बिल्कुल ठीक है, और वो अभी ड्राई होता रहेगा। वेयर वहाँ पंखे के वहाँ लग गया, अब बारी आ गई दूसरे की। अच्छा हालांकि इतने गंदे, लेकिन वेयर अल्लाह का शुक्र कि पीर चिनासी में कोई ऐसा मुझे बाइक का रुकने का फील नहीं आया, थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत बिल्कुल, क्योंकि 9,500 फुट है तो हल्का सा था, लेकिन कोई ऐसा नहीं। दोनों फिल्टर साफ हो गए। अच्छा अब ये मेन ये जाली होती है, इसको लाजमी धोना है। अच्छा ये नहीं है फोम धो लिए थे इसको रहने दे, इसको लाजमी धोना है, इसके अंदर जरे होते हैं। ठीक कह रहे हैं, आमतौर पे होता है कि वो साफ कर लेते हैं और ये वैसे ही लगा देते हैं। ठीक इसको लाजमी जी हवा लाजमी, बिल्कुल ठीक है जी, वेयर इसको भी धोना लाजमी है। मेरे हाथ को महसूस हो रही है इसको मट्टी थोड़ी थोड़ी। अच्छा मट्टी आई, ठीक ठीक लग रही है। अच्छा एक चीज अक्सर जाए भाई पूछते हैं कि इस बाइक को कितने ज़्यादा कितना चलाने के बाद ट्यूनअप करना। देखें ऑयल का तो मैंने बताया हर 1,000 किलोमीटर सही, तो कितना चला सकते हैं 3,000 के बाद ठीक है ट्यूनअप। ट्यूनिंग का ये होता है जो प्रॉपर तरीका कह रहे ना सर 2,000 किलोमीटर है ठीक है, उससे अलावा आप जितना ज़्यादा चलाते जाएंगे इसकी चेन इसके नट बोल्ट लूज होते जाएंगे, इसमें मज़ा इसमें ढीलापन आता जाएगा। मैं समझ गया, इसमें वो जान और वो चीज़ नहीं रहेगी। मैं समझ गया, 2,000 के बाद खत्म। वैसे तो आप 10,000 के बाद, मैं पूरी बात समझ गया, भी ये किक मारेंगे ठीक है, एक एक हिसाब से चेक होती रहती है बाइक व्हील्स के, कोई चेन लूज है चेक हो जाती है, नट बोल्ट ये बिल्कुल यस हो जाता है, बिल्कुल ठीक। जैसे हमारी टीवी होती है ना सर सही, उसमें हल्के हल्के मच्छर आ रहे होते हैं ठीक, उसकी भी हम ट्यूनिंग करते हैं रिमोट के साथ, बिल्कुल ठीक है, चैनल सेट करते हैं सही सही, फिर एक दफा शीशा वो बिल्कुल हमें मजा आ रहा होता है टीवी देखने का ठीक, तो बाइक का भी यही हिसाब है, जब ट्यूनिंग कर लेते हैं ठीक है, चलाने का जरा मजा और होता है, ताकत बिल्कुल सही है जी। व्यूअर्स आज जब मैं आपको बता रहा हूँ कि 1,000 पे इंजन ऑयल चेन और अगले 1,000 पे इंजन ऑयल प्लस ट्यूनअप, यानी हर 2,000 पे इसका। अच्छा हर दफा नहीं, हर दफा बताना इसलिए जरूरी है कि जेन से निकल जाता है जी, ये ऐसे लगाते हैं बिल्कुल ठीक है, फिर स्प्रिंग है फिर इसका नट है ऐसे, बिल्कुल जी। व्यूअर्स देखें कि यहाँ पे अब मैं नाम ही ले रहा, लेकिन आपने देखा होगा कि ऐसी जगह से ऑयल चेंज जो के जिसको ये कोई जिक्र नहीं किया, ये आप पोजीशन देख लें। ओके जी ठीक है, ये पोजीशन है बिल्कुल जी, ये स्प्रिंग फिर इसका नट, ये नट ये ठीक है जी। अब फर्क थोड़ा सा मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो लग ही ऐसे भी जाए, लेकिन फिल्टर का काम खत्म हो जाएगा ठीक है, फिल्टर का काम खत्म, बिल्कुल सही है, नुकसान है बिल्कुल ठीक, ठीक है सर बिल्कुल सही है, बस इसको टेढ़ा नहीं करना है, ऑयल जितना निकल जाए तो बिल्कुल ठीक है, नट लगा दो ठीक। यही होता है व्यूअर्स कि आप प्रॉपर जगह से ट्यून अप कराए तो उसके ये फायदे होते हैं, पूरा इसको हमने टाइट कर दिया बिल्कुल ठीक है, जोर भी नहीं लगाना, जो एल्युमिनियम का नट है स्लिप भी हो सकता है टूट भी सकता है, बिल्कुल ठीक, पूरा ही बाजू को पता लग जाता है जैसे टाइट हो जाता है ना, बिल्कुल सही है।
अब चेन क्लीनिंग सही ऑयल लगाएंगे साफ ठीक है, और इससे फिर लाइफ भी बढ़ती है इसकी एक अच्छे तरीके से। अब इसकी चेन पूरी साफ, अभी बाकी बाइक की भी जो है प्रॉपर तरीके से सफाई कर रहे हैं। अब बारी आ गई जी व्यूअर्स दूसरी साइड इसकी सफाई। अच्छा ये फिल्टर वाला बॉक्स, फिल्टर बॉक्स की सफाई व्यूअर्स, क्योंकि जब तक और पेट्रोल मैक्स इसलिए करके मारते हैं इसके हर जगह से कोने कोने से जाते हैं गंद और मिट्टी। नहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि खाली हवा से वो साफ नहीं होगा। बिल्कुल सही, और वाकई व्यूअर जब ये मिक्स करके तो बिल्कुल साफ सुथरी निकल आती है। जी पहाड़ों पे मैं से काफी चक्कर लगाए। अच्छा ये क्या चीज है? ये इसकी पतरी होती है, इसको बैलेंस रखती है और जरा इसकी ताकत होती है। अच्छा फिटिंग ठीक है व्यूअर, ये आप देखें और स्पोर्ट क्या है ठीक है, स्पोर्ट अंदर की तरफ खूब गंद लगा हुआ व्यूअर्स ये मैं अभी, और ये साइड कवर भी आप देख रहे हैं अभी ये भी साफ होगा, ये देखें ये भी खूब गंदा हुआ है। बल सा मिल जाता है। अच्छा जी व्यूअर लाइफ लंबी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम एक चीज और आज मुझे बताइए कि जो ग्रिप है CG125 सादे की बनिस्बत इसके डिफरेंट है। अच्छा क्योंकि उसमें सेल्फ स्विच है ये वाली ठीक है ये। ओके ये जब चलता है ना जी जी इसके यहाँ से बैंड थोड़ा सा तार को बैंड थोड़ा ज्यादा आ जाता है, बैंड ज्यादा इसकी वजह से ये बार बार टूटती है या ज्यादा जल्दी टूट जाती है। ठीक 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 सादे वाले की बहुत लंबी है। ओके ओके इतनी जल्दी नहीं टूटती ठीक, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र कि अब सादी केबल लगेगी इसमें इंशाल्लाह। अच्छा जी व्यूअर्स ये देखें कि बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बाइक साफ हो गई है। अच्छा ये नट थोड़ा सा यहाँ से सीप हो रहा है, बिल्कुल ठीक है था, मुझे भी थोड़ा फील हुआ था टाइट कर दिया। सही है बिल्कुल माइन जिगर, अब ऑयल साफ बिल्कुल, ये तो हम बताते ही हैं जी कि साफ ऑयल, क्योंकि पुराना ऑयल तो अपनी पूरी कर चुका होता है, मुझसे वाई नुकसान होता है जी, कालक फैलाने के और कुछ नहीं उसमें। पूरी चेन को लग गया साइड स्टैंड को, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बिल्कुल ठीक है, इसमें फिल्टर फिल्टर ऑयल फिल्टर लगा हुआ, फ्यूल फिल्टर जी फ्यूल फिल्टर बिल्कुल सही है। पिछली दफा साफ किया था, अब इसमें बिल्कुल जो है थोड़ा सा नजर आ रहा है कि कचरा इसमें है, बहुत थोड़ा सा जी जाहिर है क्योंकि खेड़ा और कहां कहां से फिर वो पेट्रोल वगैरह जीटी रोड से भी डाल है। अभी ये भी साफ हो जाएगा प्रॉपर, और इसी के ऊपर ये जाली लगी, ये देखिए। अच्छा जाली इधर भी है, ठीक है ठीक ठीक ठीक, इसको लाजमी हम थोड़ा बहुत हमारे हवा लगाने लगे, बिल्कुल सही है। इसको भी व्यूअर्स लग गई जाली, ये फ्यूल फिल्टर है बेसिकली अंदर। अच्छा यानी इसे एक्स्ट्रा लगाने की फ्यूल फिल्टर जरूरत नहीं है, ठीक ठीक है। इसमें दो फिल्टर, एक लंबा इसके ऊपर भी लगा हुआ है। अच्छा एक ऊपर भी है और एक ये भी, ठीक दो फिल्टर, ये सादे सीजी में भी है, ये सब 70 में भी सब बाइक। ओके व्यूअर्स हर होंडा की बाइक का यही सिस्टम है, फिर होंडा से दूसरे भी नकल मार लेते वो तो फिर ठीक जी। इसके
यहाँ से हम इसके टैपेट चेक करेंगे, इसको टॉप पे किया जाता है यहाँ से। अच्छा, टॉप पे करके घुमा के। ठीक, तो पहले वालों में शायद ये खोलना पड़ता था। नहीं, उसका जब कवर खोलते हैं तो उसका तो मैग्नेट ओपन है ना। ओके, उसको तो हाथ से पकड़ के हम घुमा रहे होते हैं। ठीक है, इसको फिर अंदर से गोटी डालते हैं हम। ठीक 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 ठीक, यानी इसके लिए पूरा ये साइड खोलनी नहीं पड़ती। हाँ हाँ, खोलने नहीं। ओके, ये छोटा टॉप अप भी हमने साफ कर। ठीक है, ये दिखा दूँ लोग। अच्छा जी, इधर ये अच्छा प्लग खोल रहे हैं। ठीक है, जस्ट जो टैपेट है ना जी, प्लग खोल के किया जाता है। अच्छा, बाद लोग होते हैं प्लग लगा के टैपेट कर होते हैं। जी जी जी, जो कंपनी लिख रही है उस मुताबिक हम बताते हैं हर चीज। बिल्कुल, फिर उससे ये चीज बिल्कुल कभी नहीं सही। अच्छा जाए, क्या पोजीशन है इसकी? इसका चेंज करा दें। चेंज करा दें, निकलते हैं नाम पे। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है ठीक है, बिल्कुल जी व्यूअर्स, क्योंकि लॉन्ग टूर्स पे जाना होता है तो वो यही रिकमेंड कर रहे हैं कि प्लग मैं रिप्लेस कर दूं। ये आपको लुक दिखा दूं। खोल दिए। ओके जी, साफ करके फिर हम इसको नीचे रखेंगे। अच्छा, ये कवर सादा सीजी और ये बिल्कुल सेम है? ये सादा और सीजी बिल्कुल सेम। ठीक ठीक ठीक, पहले हम इसको कपड़ा मारेंगे सफाई साइडों से, साफ करेंगे। ठीक, उसके बाद इसको हम चेक करेंगे, पेच डालेंगे। ये इसका प्लग आ गया जापानी एनजी के। अच्छा जी, वे चेक करा रहे एनजी के। ये इसका नंबर होता है सर, ओरिजिनल DP DPE8EA9। बिल्कुल सही है जी, ठीक है। और पुराने वाले का भी बिल्कुल सेम यही चीज़ है। ठीक, बिल्कुल सेम, यानी ओरिजिनल एनजी के। अच्छा, जापानी। ठीक है, जापान। सही, तो इसकी डब्बी वगैरह कोई है? डब्बी इसकी किधर है? डब्बी की है, इसकी अपनी पैकिंग होती है। ये व्यूअर्स आप देखें कि इसकी डब्बी है, स्पार्क प्लग होंडा का जेन्युइन। अच्छा, वहाँ से टॉप करेंगे और पिस्टन को। ओके जी, अभी हम इसके टैपेट चेक करेंगे। 8 नंबर की गेज है सर इसकी। 8 नंबर 0.8 इनलेट और आउटलेट सेम दोनों बराबर है। ठीक है, जो हमारा 150 है उसमें फर्क है। ओके, इनलेट और ठीक है एग्जॉस्ट में। और जो सादा सीजी और इसका बिल्कुल सेम है? उसको और इसके बिल्कुल। ठीक है, पैपेट जो है सर जी, ये नया मोटरसाइकिल है। कौन सा भी जोन से भाई भी कराएं, ट्यूनिंग कराएं, पैपेट कराएं जी, तो एक तो गेज का बिल्कुल जो है ना तरीका कार, गेज बीच में रख के फुल नहीं टाइट कर देना, उसको प्ले हल्की सी लाजमी छोड़ें, ताकि ठीक, ताकि प्रॉपर पॉइंट ज़ीरो एट हो। ठीक है, ये ना हो गेज बीच में रख के तो फुल टाइट खींचने से। बिल्कुल जी, व्यूअर्स आप जहाँ भी हैं पाकिस्तान में ये चीज़ें ध्यान में रख लें, जैसे जावेद साहब बता रहे हैं कि गेज बीच में रख के
बहुत टाइट, मतलब लूज निकलना चाहिए ना। ये देखिए अब आप जरा आपसे खींचें इसको। अच्छा ठीक ओके, पता चलता है कि बिल्कुल हाँ, इसके साइज का बिल्कुल हल्का सा फंस भी नहीं गया और बिल्कुल हल्का भी नहीं है जी। बिल्कुल सही है। ये देखें इसको और उसको फर्क है थोड़ा सा, इसको खींचें आप, ये थोड़ा कम है, ये काम में हाँ ठीक बराबर कर। अच्छा अच्छा ये आ गए, ये इनलेट है, ये आउटलेट है, साइलेंसर की तरफ है, ठीक है, कार्बोरेटर वाली साइड, ठीक है जी। इनटेक कहते हैं, एग्जॉस्ट कहते हैं, ठीक है, इनटेक एग्जॉस्ट या आउटलेट, इनलेट आउटलेट, हाँ बिल्कुल ठीक, दोनों सही है। ओके गियर्स प्लग जो मैंने दिखाया था वो लग गया है और ये बड़े अच्छे तरीके से साफ किया, मैं दिखाना चाह रहा था लेकिन कैमरा नखरा दिखा गया था हीरो 9। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये बराबर हर तरफ से टाइट कर देंगे, जो भाई कहते हैं हमारा मोटरसाइकिल मिसिंग कर रहे हैं जी, प्लग कैप में थोड़ा सा जो है ना तार ढीली हो जाती है, थोड़ा सा दूर अच्छा, हो जाती है। अच्छा ये ऐसे है ना जी, ऐसे अब ये बीच में गैप है। ओके 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 ठीक ठीक, स्पार्क से जब करंट जाएगा तो वो गाड़ी मिसिंग करेगी। अच्छा ये प्रॉपर बैठना चाहिए, बैठना चाहिए तो जब भी किसी का बाइक को मिसिंग कर हो तो इस चीज़ को लाजमी देखें। ठीक ठीक, इसको लाजमी चौक को हाथ मारेगी, चौक इसकी फुल नीचे है। अच्छा बाद एक स्टेप ऊपर हो जाता है तो वो मिसिंग, तो तब भी मिसिंग, बिल्कुल ये मुझसे भी हुआ है, काम लोग दूर दूर से आ जाते हैं यार, बिल्कुल ठीक है। नीचा चेक करें इसकी, ये सील दो तीन साल धूप में बदलती है, अभी तो सारा यहाँ पे सही नहीं चेंज हो रहा, ठीक है। बाकी इसकी ये जो डेट लिखी हुई है ये, अच्छा वो डेट यहीं पे होती है, ठीक है, यानी होंडा की जैसे बाकी पैकिंग ये भी वैसे ही दी है, ओके। और यहाँ भी डेट इसकी लिखी हुई है, टाइम डेट, ठीक है। इसके नीचे वाली सील पे भी होंडा लिखा होता है सही, ये देखिए उल्टी साइड पे ये एटलस होंडा, ये बिल्कुल जी बिल्कुल व्यूअर्स लिखा हुआ है, इसमें दो नंबर जो ऑयल होते हैं उसके नीचे उसमें नहीं लिखा होता, बिल्कुल सही है व्यूअर्स, यहाँ देखें कि यहाँ पे पता है, वरना अक्सर जगह सवाल करें तो वो ठीक है भाई साहब जी, सही है चाचू, ऑयल डालने लगे, इंजन ऑयल डालने लगा, तो साफ करें, अभी आपको दिखाते हैं जी नया वाला इंजन ऑयल, ये जो है जापानी। अच्छा वो फील हो रहा है व्यूअर्स के, वाकई वाह, बिल्कुल जी व्यूअर्स पता चल रहा है कि क्वालिटी ये ज़बरदस्त है ऑयल की, और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि यही डालें। इवन अब मैं साथ ही व्यूअर्स को कि जो मेरे पास होंडा सीबी 250 थी उसकी बुक में भी लिखा था कि 1030 उसके लिए, ये जापानियों ने रिकमेंड किया। अच्छा जापानीज रिकमेंडेड, ओके व्यूअर्स ये देखें कि जापानियों की रिकमेंडेशन है ये वाला इंजन ऑयल, बिल्कुल ठीक है। एयर फिल्टर कवर की सफाई व्यूअर्स प्रॉपर, इधर भी लुक दिखा दूं कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन निकल आया, अभी हमारे फिल्टर की बारी आ गई है, इसका ये सीधा लगाने हमने फॉर्म, ठीक है ठीक है, और अंदर बिठाना नहीं है ऊपर वाले को। अच्छा वो आपने बताया था कि ये किनारियाँ, ये देखें आप नीचे चली गई हैं जी जी, झटका रहो, ओके अच्छा, ये बाहर की तरफ, ये देखें ये अंदर से घुस गया, समझ गया इसको मैं, अच्छा 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 ठीक है, ओके
नहीं बिठाना, अंदर नहीं घुसाना, ठीक, यहाँ पे ओपन छोड़ के, सही, ये इसका तरीका, ठीक है, ठीक। फिक्स कर दिया और अभी ये कवर भी लग गया, अब ये टाइट कर देंगे इसको। पूरा लग गया वेयर्स और अब इस पे साइड कवर लगने लगा। लुब्रिकेट कर रहे हैं सर, हल्का सा किक को लगाना है। अच्छा, किक को ब्रेक वाली साइड पे बाहर से, अच्छा से, अच्छा यहाँ पे ब्रेक है, हाँ जी ठीक है, चिमटे को लगाना है। ओके, स्विंग आर्म जो यहाँ लगाया ये ब्रेक पे गया, अच्छा इधर से लगाया वो भी ब्रेक पे गया। अच्छा अच्छा अच्छा, जो ब्रेक वाली पिन है, अच्छा अच्छा, वो अब आपको पता है कि यहाँ ब्रेक को थोड़ा सा लगाते हैं, ठीक है। या उसके अपने ब्रेक शू ने चेंज, जी जी जेन्युइन है, अच्छा जी। व्यूअर्स ये देखें कि ये वाले नट भी सारे थोड़े 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 चल के बिल्कुल ठीक है, और ना भी हो तो क्रॉस चेक करना जरूरी हो जाता, ठीक। पहले वो साइड चेक कोई भी हो, और अब इस साइड से सारे, और बैटरी वाली साइड भी प्रॉपर चेक होके अब इस साइड को बंद कर रहे हैं। चेन तो ला रहा है ना, आते हैं एक मिनट सर, टाइट कर रही है, उनका सा फ्री प्ले ज़्यादा है। अच्छा, चेन थोड़ा लूज है, ओके, चेन वेयर थोड़ा लूज है और अभी ये टाइट करने लगे हैं। यार आते होगी नुमान साहब, 200 दिया हम दफा होना पे, कुछ तो कुछ मैं खुद ही खुद दस कर लेना, पता है कि भाई मैंने अगर दोनों साइडों का सर लेवल इसका हमने बराबर रखना है, ये इसके कट भी बने होते हैं जी। दूसरा ये है कि हम यहाँ से भी इसको चेक करते हैं, ठीक है, ये अगर मिट जाए ख़राब हो जाए तो इसको यहाँ से भी हम देखते हैं, दोनों साइडों से इसको पूरा पूरा टाइट करना, ठीक है, सही, जितना इधर से करने हैं दूसरी साइड से भी उतना बराबर दोनों साइडों से, ठीक, कट भी दोनों बराबर हैं यहाँ से और इधर से भी, ठीक है, बिल्कुल बराबर है, सही, दोनों साइडों से वेयर्स आप देख रहे हैं कि अभी इसको, इसी वजह से हमारे जो लोग हैं ना कंपनी वाले 70 को जो है ना उन्होंने चेंज कर दिया। अच्छा, पहले उसकी गोट सिस्टम आता था जी, वो एक ही साइड से हम टाइट कर देते थे, लोग बहुत होते हैं वो व्हील टेढ़ा हो जाता है, गरारी चेन गरारी वगैरह ख़राब, अब उन्होंने वो चीज़ ही ख़त्म कर दी। अच्छा, तो दोनों साइडों से नहीं टाइट करेंगे, अच्छा 1-5 वाला साहब उसमें भी कर दिया, यानी ये वाला सिस्टम, हाँ जी, ठीक 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 ठीक। अच्छा, बाकी पुराने 70 का और था, ठीक, इसका चेन का काम, चेन कंप्लीट हो गई जी, व्यूअर्स वो काम व्यूअर्स कंप्लीट हो गया, और लिफ्ट से अभी नीचे कर दी, अभी ऑयलिंग करने लगे हैं लीवर्स को, इसके जो क्लच वाला लीवर है थोड़ा सा केबल को भी ऑयल लगाते हैं थोड़ा सा, अच्छा डिफरेंस, ठीक,
फिर हम इसको नीचे घुमाएंगे ताकि पानी वगैरह केबल में ना जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही है, कट को नीचे कर देना। ठीक, ऑयल लगाया जहाँ पे भी उसको साफ लाजमी करना ताकि कस्टमर के कपड़े यार सही हाथ हरा खराब ना हो। अच्छा इधर भी ये ब्रेक को एडजस्ट कर रहे हैं हम, थोड़ा ठीक टाइट कर रहे हैं। ओके, जैसे टाइट करते जाएंगे ब्रेक टाइट होती है। ठीक है, सही है, ये चीजें आवाज से बिल्कुल ठीक है जी, सही कह रहे हैं, क्लोज भी हो जा रहा है। ये आगे नीचे ठीक, शीशे भी टाइट कर दिए व्यूअर्स आपने देखा, सेंटर एक्सल है इसका। अच्छा, गाड़ी बहुत वाइब्रेट करती है, इसको प्लाज्मा ट्यूनिंग से चेक करें। अच्छा, सेंटर एक्सेल को चेक कराना है वरना वाइब्रेशन आ सकती है। अब व्हील्स हैंडल की कुछ सेटिंग करने लगे हैं, जो मुझे थोड़ा कुछ फील हुआ था। बिल्कुल ठीक है, वेयर्स बाइक। अच्छा, हैंडल पूरी तसल्ली हो गई है। ठीक, इधर भी चला के ठीक 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 इस साइड में है, आज इसका बहुत बड़ा है। आपको ये सेटिंग करनी थी, पिछली दफा भी मैंने बोला था कि आप जी अच्छा ट्यूनिंग जब करेंगे तो सेटिंग करें। सही, ये इसकी पेट्रोल की सेटिंग हो रही है, अभी गाड़ी की स्टार्ट की है ट्यूनिंग। अच्छा, के बाद हमने अच्छा पेट्रोल लेवल जो है ना इसका सेट किया है। ठीक है, इसकी रेस को हमने तेज की है। अच्छा, 5000 RPM कम है इसका माउंट। ओके, अच्छा तेज करके फिर हम इसके मिक्सचर को जो है ना एडजस्ट करेंगे। ठीक, पहले टाइट करेंगे, अभी ये टाइट कर रहे हैं हम। अच्छा, गाड़ी की आवाज़ गुड हो रही है। ठीक, फिर हम खोलना शुरू करेंगे। अच्छा, खोलते जाएंगे जहाँ पे गाड़ी तेज हो जाएगी ना रेस इसकी, जी जी वहाँ पे इसको हमने छोड़ा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन व्यूअर्स मैं फिर भी कहूँगा कि ये चीज़ें खुद ट्राई ना करें, जैसे ना करें, लेकिन बाद ऐसे मेरे फ़ोन करके लोग पूछ रहे होते हैं यार गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, गाड़ी सुबह सुबह तंग करती है, ये चीज़ें आप किसी के पास जाएं ये वीडियो दिखा के काम ही करा सकते हैं। बिल्कुल ठीक, मतलब इस लेवल पे करा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, कुछ लोग बेचारे बहुत परेशान होते हैं कि यार स्टार्ट नहीं होता है, खाना होता है। बिल्कुल जी, वेयर दी वीडियो बिल्कुल हुई है। अच्छा, ठीक, कुछ लोगों ने चूड़ियों के साथ बनाया होता है कि जी दो चूड़ियाँ टाइट, तीन है, जी 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 एक है, वो वाला हिसाब नहीं, जो गाड़ी की सेटिंग होती है ना स्टार्ट हो के वो प्रॉपर सेटिंग हो। ठीक 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 ठीक, बिल्कुल सही है, ये चल आप सुबह इसको ऐसे दबाने के लिए चल पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा लंबा सा लगता है इसमें। ठीक 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 ठीक, फिर आज फ्यूल भी प्रॉपर सेट कर दिया है, लेकिन यार ये लाइट को ये नहीं चल रही, ब्रेक लाइट का बल्ब का तार भी चेक कर लेंगे, ऑयल भी लगा देंगे। अच्छा, वेयर इसको भी खोलने लगे हैं ऑयलिंग के लिए, ताकि बिल्कुल ठीक है, ताकि वायर भी चेक हो जाए उसका वो जो, और ऑयलिंग भी हो जाएगी। वायर बिल्कुल ठीक है, वायर बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और ये वही है जो आपके हाथ की हुई थी।
केबल डालनी है। इसको भी साफ़ करके और अच्छा यहाँ पे ऑयल, क्योंकि इसी ने व्यूअर्स चलना होता है इस पर। अब कंप्लीट करके और अब इसे व्यूअर्स बंद करने लगे। एक और जो व्यूअर्स मसला आया हुआ था कि ब्रेक लाइट, इसकी ब्रेक वाला फिलामेंट फ्यूज था, तो ये भी खुलवाया और इधर अभी ब्रेक का बल्ब लगेगा। अच्छा ये नया वाला बल्ब है, जेन्युइन बल्ब है जी व्यूअर्स। और कितने का है ये? अच्छा चलें प्राइस मैं बताऊंगा। जेन्युइन बल्ब इसका अभी लगेगा इधर, बिल्कुल सही है जी व्यूअर्स, प्रॉपर तरीके से साफ करके। आपका क्या नाम है? उस्मान ने लगा दिया जी। ओके हो गई है जी व्यूअर्स, अगली पिछली ब्रेक दोनों से बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। लॉक को भी टाइट कर दिया, जो कि आम तौर पे कोई भी नहीं करता। ये अक्सर ढीला हो जाता है। बिल्कुल सही है। बाइक व्यूअर्स हो गई है तैयार बिल्कुल। अच्छा जी व्यूअर्स, इंजन ऑयल मैं अब आपको बता दूं, पेमेंट की डिटेल्स, 510 का इंजन ऑयल है, 220 का प्लग है और 150 का बल्ब है।